हेलो बच्चों, नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में अब हम लोग मुलाकात करेंगे आसमा सिद्दीकी से। तो बेटा बहुत ही होनहार, पिछले वर्ष ये टारगेट बैच में हम लोग के यहाँ पढ़ने आई थी, थोड़ी परेशान रहती थी और इन्होंने पेशेंस रखा और पेशेंस रखने के साथ इस साल 669 मार्क्स इनको मिला और अब ये कुछ दिनों में डॉक्टर आसमा सिद्दीकी हो जाएंगी। इस बच्ची ने अपने पापा का नाम रोशन किया, इनके पिताजी रेलवे में हैं और आज काफी अपने आप को प्राउड फील कर रहे होंगे कि अपनी बच्ची को इन्होंने क्या डॉक्टर बनते हुए देखा है। तो बच्ची ने काफी कठिनाइयां झेली, काफी परेशान रहती थी, पढ़ने में तो बहुत होनहार थी। हाँ, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि नीट के सिलेक्शन में कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उस कट ऑफ को अचीव करने में इस बच्ची ने बहुत ही संघर्ष किया, काफी स्ट्रगल किया। और दूसरी सबसे अच्छाई वही मैं जो बार बार कह रहा हूँ, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी। तो डिसिप्लिन भी बड़ा जबरदस्त आसमा के अंदर था, कुछ भी पढ़ाइए सब लिखती थी, नोट करती थी, टेस्ट देती थी। और दूसरा क्या है, हर टेस्ट का एनालिसिस करती थी, जिसके कारण इन्होंने 669 अचीव किया। तो सबसे पहली चीज इनको बहुत ही जबरदस्त वाली बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, इस अचीवमेंट के लिए। और इनको डॉक्टर बनने पे बहुत ही बधाई। तो बेटा इसको क्या है, इस व्हाइट कोट को, जो अब ये तो बहुत तुम्हारे जीवन भर अब साथ हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे जीवन भर के लिए है। 669, ठीक है बेटा। हाँ थैंक ठीक है, बहुत बहुत भाई। ऊपर वाला अच्छा करे कि और आगे अच्छा जाए। हाँ, ऊपर वाला ये करे कि फॉर आसमा, ए फॉर क्या, एम्स मिले इनको पीजी करते वक्त। हाँ, यूजी में कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं, एकदम एकदम कूल रहना है। हाँ, कहीं से एमबीबीएस, एमबीबीएस अच्छी जगह से होगा। हाँ, कूल रहो। हाँ, पीजी के लिए भी तुम्हारे पास समय है, अब मेहनत करने की आदत तुमको पड़ी गई है, तो कोई टेंशन तो है नहीं भाई। जिसको मेहनत करने की आदत हो गई है वो कुछ भी अचीव कर लेगा, जिसको काम चोरी की आदत हो जाती है बेटा वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो मेहनत की आदत तुमको पड़ी ही गई है। तो त्रिपाठी जी आइए, बातचीत करिए कि आसमान ने कैसे किया, इनके परिवार के बारे में जाने, इनके माता पिता का क्या रोल रहा। हाँ, आज पिता क्योंकि बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे अपनी बेटी पे, तो बातचीत करके लोगों को मोटिवेट करिए कि आसमा की तरह और भी बच्चे अच्छा करें। जैसा कि विदित है, नीट 2024 का रिजल्ट आया है हमारे सामने। आसमा सिद्दीकी हैं, अब वो नीट क्वालिफाई कर ली हैं और डॉक्टर आसमा सिद्दीकी हो जाएंगी। बेटा ये बताइए कि आपको बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू सर। जो नीट 2024 सफल होने के लिए। ये बताइए कि आप नीट सफल होने के लिए जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? मेरे परिवार का सबसे बिगेस्ट रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने, मैं कोचिंग में आती थी तो कोचिंग में तो वैसे भी स्टडी का माहौल रहता है, लेकिन मेरे घर में भी उतनी फ्रिक्वेंसी का स्टडी का माहौल रहता था। मेरे पास पर्सनलाइज रूम था, मेरे पास स्टडी रूम था, और जब मैं पढ़ती थी तो ऐसा नहीं था कि कोई आके डिस्टर्ब करता था या फिर कुछ ऐसा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहे थे। और जो भी मेरे साथ, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम्स होते थे तो मेरी फैमिली फेस कर लेती थी, बस मैं पढ़ती थी, मेरा काम बस पढ़ना था। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स का किया है, मम्मी पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स किया है, और मेरे सिस्टर, मेरे भाई। नीट 2024 अब आप सफल हो चुकी हैं, गुरुकुल पाठशाला संस्थान को आपने चुना, हाँ, जी तो वहां तैयारी के स्तर को बताएंगे क्या आप? देखिए, यहाँ पे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, तो सबसे ज्यादा श्रेय तो कोचिंग को ही जाता है। कोचिंग वाल हमारे सारे टीचर्स ने सबसे, वैसे मेरे यहाँ पे 2 साल का प्रिपरेशन रहा है, तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे मिले मुझे यहाँ से, तो मैंने कॉन्सेप्ट्स अच्छे गेन किए। और सेकेंड ईयर ऑफ माई प्रिपरेशन में मैंने अपने कोचिंग वालों की मदद से खूब ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो जिसके कारण डॉक्टर अगर मेरे नाम के आगे लग रहा है तो ऑफ कोर्स मेरे कोचिंग वालों ने बहुत अच्छा अगर किया। नीट में सफल होने के लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की? जी, जो मेरे कोचिंग वाले थे, वही उन्हीं लोग के साथ हम लोगों ने क्लासरूम प्रोग्राम भी किया और टेस्ट सीरीज भी हम लोग ने डीटीएस दिया और जीएसटीएस दिया, सारे सीरीज हम लोगों ने ज्वाइन किए थे। कितने टेस्ट हुए? 250 अबव हुए थे शायद, और हमने भी बस ऑलमोस्ट सारे दिए थे स्टार्टिंग टू एंड। मतलब आपके एजुकेशनल प्रोग्राम में जी संस्थान का जो टेस्ट सीरीज था वो बड़ा ही अच्छा
योगदान उसका रहा? जी, उसी के हिसाब से मैं पढ़ा करती थी। जैसे हम लोग का जब डीटीएस हुआ करता था तो हम लोग को चैप्टर्स दे दिए जाते थे कि इतने इतने आ रहे हैं, तो मैं कोशिश उतना ही करती थी कि मैं उसी टाइम इंटरवल के बीच में प्रिपेयर कर लूं अपने चैप्टर्स को, ताकि मुझे लास्ट मोमेंट में सिर्फ रिवाइज करना पड़े, फ्रिक्वेंसी में रिविजन की इंक्रीज करूँ। और कॉन्सेप्ट में तभी क्लियर कर लेती थी जब हम लोग का डेली टेस्ट सीरीज चलता था। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों सब्जेक्ट का समन्वय आप कैसे बैठाती थी? वैसे इनिशियल जब हम लोग के डेज होते हैं, जब हम लोग तुरंत नीट एग्जाम दे के आते हैं, तो हम लोग के पास मई जून जुलाई वगैरह खाली रहता है, ज़्यादा स्टडीज नहीं करने रहते उसमें, तो आप उसमें हमने अपना वीक सब्जेक्ट चूज़ किया था। वैसे फिजिक्स मेरा कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा था, लेकिन यू नो न्यूमेरिकल वाइज थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो जाता था, तो मैंने फिजिक्स का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था इनिशियल मंथ्स में, और केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो उस पर मैंने उसको थोड़ा सा लास्ट में ही पढ़ा। फिर मैंने पहले फिजिक्स पढ़ा, बायो पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, और फिर जब लास्ट मंथ्स आ गए तो मैंने बायो पढ़ा, फिर फिजिक्स पढ़ा, फिर केमिस्ट्री पढ़ा। अच्छा, कभी काल ऐसा होता रहा होगा कि आप तैयारी करते करते एक समय आदमी ऊब जाता है कि हम मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या कभी ऐसा हुआ आपसे? जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा ये वाला तो थॉट में मन में नहीं लाती थी, क्योंकि भाई मुझे पता था कि मुझे करना ही, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके सिवा। होता था ऐसा, क्योंकि जैसे आपका जो डेली का शेड्यूल हो जाता है वो बहुत हेक्टिक हो जाता था, तो हम थोड़ा बहुत नेचर के पास रह लेते थे या फिर म्यूजिक सुन लेते थे, और क्योंकि और हम लोग एस्केप तो नहीं कर सकते कि हम लोग को पढ़ना था तो पढ़ना था। बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना आसमा सिद्दीकी के पास था, जो आज सफल हुआ है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? सबसे पहले तो अपने फैमिली को देंगे, फैमिली के सारे मेंबर्स उतने ही सपोर्टिव रहे, फिर मेरे कोचिंग के सारे टीचर्स, इवन सब लोग ने सारी बहुत ज्यादा हेल्प करी हम लोग की, और फिर मैं खुद को भी दूंगी। हमारे सामने सफल अभ्यर्थी के रूप में डॉक्टर आसमा सिद्दीकी हैं, इनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं।